दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम टीजीटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें टीजीटी से संबंधित जानकारी और संबंधित क्वेश्चन बताए थे, जो आप लोगों ने जिसे बहुत ही लाइक किया, पसंद किया, उसी का ये सेकेंड पार्ट है दोस्तों। उसमें हमने पूरे क्वेश्चन नहीं बता पाए थे। हमने प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट किया था और हमने बताया था कि इंडियन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपके सिलेबस में भी पूरे इंडियन का ही है, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, अजंता एलोरा, मुगल काल, ये सब जितने भी शैलियां हैं ये सारे पूछेंगे दोस्तों। तो उसी से संबंधित हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। तो आज इसका सेकेंड पार्ट हम लेकर आए हैं। आप देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है इस तरीके से है, प्रागैतिहासिक चित्रों की शैली में मानव ने किन दृश्यों को प्रमुखता दी। क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों की शैली में मानव ने किन दृश्यों को प्रमुखता दी। तो मानव विजय के दृश्यों को। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य हृदयगत भय को शांत करना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। दोस्तों पूछ रहा है, चार तीन ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, लखनपुर, ये तीनों स्थान पे चित्र मिले हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। प्राचीन काल में कला का मुख्य स्रोत कहाँ से शुरू हुआ था। प्राचीन काल में कला का जो मुख्य स्रोत है वो लिपि से शुरू हुआ था। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था। दोस्तों प्रागैतिहासिक चित्रों का जो धरातल था वो शिला था। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है। घायल सुअर का जो गुफा चित्र है वो मिर्ज़ापुर में है। गुफा चित्रों में किस भावना से चित्र बनाए गए हैं। गुफा चित्रों में जो प्रागैतिहासिक गुफा चित्र में जो चित्र बनाए गए हैं वो दोस्तों आध्यात्मिक भावना से बनाया गया है। भीमबेटका में प्राचीन गुफाएँ कितनी प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका में लगभग 600 गुफाएँ प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका में लगभग कितनी गुफाओं में चित्रों के अवशेष मिले हैं। तो 275 गुफाओं में अवशेष मिले हैं दोस्तों। 600 गुफाएं हैं जिसमें 275 गुफाओं में चित्र के अवशेष मिले हैं। इससे पहले वाले जो वीडियो में दोस्तों हमने बहुत सारी जानकारी दी थी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, उसी का ये सेकेंड पार्ट है जो भीमबेटका से संबंधित, पंचमढ़ी से, होशंगाबाद से संबंधित क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। भीमबेटका के चित्रों में मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है, वह किस स्तर के चित्र कहलाते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, भीमबेटका के चित्रों में मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया, वह किस स्तर के चित्र कहलाते हैं। तो दोस्तों दूसरे स्तर के वो चित्र कहलाते हैं। भीमबेटका में प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं। भीमबेटका में प्राप्त चित्र दो प्रकार के हैं। देहाती बांस से बनाई गाड़ियां चित्रित हैं। दोस्तों चार ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि जो देहाती बांस से गाड़ियां बनाई गई हैं वो किस में है। तो मंदसौर में है। मंदसौर जिले के किस स्थान पर गुफाएँ स्थित हैं। दोस्तों मंदसौर जिले जो है वो मोरी नामक स्थान की गुफा में स्थित है। मंदसौर में कुल कितनी गुफाएं हैं। मंदसौर में 30 गुफाएं हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं। तो दोस्तों तीन, इनके जो चित्र हैं तीन भागों में उनको बांटा गया है, सामाजिक, जमितिक और घरेलू से संबंधित। एक दृश्य में जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानव आकृति को भैंसे के चारों ओर संयोजित किया गया है, जिसकी रेखाएं भावपूर्ण एवं ओज लिए हुए हैं। यह चित्र रामगढ़ का है दोस्तों।
एक बार फिर से मैं क्वेश्चन ये रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ये। एक दृश्य में जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानव आकृतियों को भैंसे के चारों ओर संयोजित किया गया है, जिसकी रेखाएं भावपूर्ण एवं ओज लिए हुए हैं। यह चित्र कहाँ का है? तो रामगढ़ का है। मधुमक्खियों के छतों से भरी हुई पहाड़गढ़ क्षेत्र की गुफाएं फैली हैं। दोस्तों इसमें दो आंसर आपके निकलने हैं। पहले तो मधुमक्खियों के छतों से भरी हुई जो है कहाँ पे है, वो पहाड़गढ़ क्षेत्र की है, और ये जो है 1500 वर्ग में फैली हुई है। जिराफ समूह एवं चार धनुर्धारी आदि चित्र छपांकन पद्धति से निर्मित है, ये किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर दें कि जिराफ समूह चार धनुर्धारी चित्र आदमगढ़ में मिले हैं और ये स्टेंसिल पद्धति से निर्मित किए गए हैं। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, जिराफ समूह और चार धनुर्धारी किस विधि से बनाया गया है? तो ये स्टेंसिल पद्धति से बनाया गया है, छपांकन विधि से। सिंघनपुर के चित्रों की खोज सन 1910 में किसने की थी? ये क्वेश्चन हमने पिछले भी वीडियो में बताया था दोस्तों, 1910 में डब्ल्यू एडिसन ने किया था। पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर के चित्रों का परिचय कब दिया? तो दोस्तों आप यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, 1910 में डब्ल्यू एडिसन ने दिया था और सिंघनपुर 1917 में पर्सी ब्राउन ने चित्रों का परिचय दिया था। अमरनाथ ने सन 1913 में किस क्षेत्र के चित्रों का परिचय दिया? 1913 में अमरनाथ ने सिंघनपुर के चित्रों का परिचय दिया। तो ये दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे 1910 में डब्ल्यू एडिसन ने चित्रों की खोज की थी, 1917 में पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर के चित्रों का परिचय दिया था, और 1913 में अमरनाथ ने सिंघनपुर के चित्रों का परिचय दिया था। तो ये तीनों स्थान याद रखिएगा क्योंकि तीनों स्थान में तीनों विद्वान अलग अलग हैं। अमरनाथ हैं 1913, 1910 में डब्ल्यू एडिसन हैं, 1917 में पर्सी ब्राउन हैं। तो इसको एक नोट बना लीजिएगा इसका। दोस्तों घायल भैंसे का गुफा चित्र कहाँ है? घायल भैंसे का जो गुफा चित्र है वो सिंघनपुर में है। मानिकपुर नामक स्थान किस जिले के अंतर्गत आता है? मानिकपुर नामक स्थान जो है बांदा जिले के अंतर्गत आता है। भारतवर्ष में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? भारतवर्ष में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान 1863 में प्रारंभ हुआ था। भारतवर्ष में प्राचीनतम मानव का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मद्रास में सबसे पहले हुआ था, मद्रास में सबसे पहले हुआ था। दोस्तों पूर्व पाषाणकालीन जीवन निर्भर था, पूछ रहा है इसमें पूर्व पाषाणकाल के लोगों का जो जीवन था वो कैसा था? तो प्राकृतिक जीवी था। दोस्तों पूर्व पाषाणकालीन मानव सबसे अधिक संत्रस्त किससे था? तो प्राकृतिक प्रकोप से। दोस्तों बहुत ही भयभीत थे ये लोग और बहुत ही मतलब घबराए हुए थे, परेशान थे। पूर्व पाषाणकालीन लोग निम्नलिखित में से किससे परिचित नहीं थे? तो पूर्व का पाषाणकालीन जो है दोस्तों मृतभान से परिचित नहीं थे। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, औजार, नदी, अखेट। अब पूछ रहा है कि पूर्व पाषाणकालीन लोग जो हैं किससे परिचित नहीं थे? तो आखेट से परिचित थे दोस्तों, औजार भी मोटे भद्दे बनाते थे, नदी तो मतलब नॉर्मली चीज़ है कि वहाँ प्राकृतिक है तो नदी है। मृतभान से परिचित नहीं थे पूर्व पाषाणकाल के लोग। पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य में किस प्रभावी धार्मिक भावना में विश्वास था? पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य जो थे उनको धार्मिक भावना में विश्वास था, किससे? धार्मिक विश्वास का पूर्णता अभाव। मानव ने सर्वप्रथम किस काल में शवों को दफनाना प्रारंभ कर दिया था? तो दोस्तों मानव ने सबसे पहले मध्य पाषाण काल में शवों को दफनाना प्रारंभ कर दिया था। उत्तर पाषाण काल के हथियारों की प्रमुख विशेषता है, उत्तर पाषाण काल के हथियारों की विशेषता है हथियारों पर पॉलिश किया जाता था।
सर्वप्रथम मनुष्य का रासायनिक आविष्कार था। सबसे पहले रासायनिक आविष्कार दोस्तों भांड था। गृह निर्माण की कला का उदय किस काल में हुआ? गृह निर्माण की कला का उदय उत्तर पाषाण काल में हुआ। दोस्तों हम इतनी स्पीड में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समय कम है और क्वेश्चंस मेरे पास बहुत हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास इस सारी चीज़ें उपलब्ध कराना चाहता हूँ ताकि आने वाले TET के पेपर में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, उपयोगी रहे। उत्तर पाषाण काल में मानव ने अपने घरों का निर्माण किया। तो दोस्तों उत्तर पाषाण काल के जो मानव घर बनाते थे उसमें वो घास फूस और मिट्टी ये तीनों चीज़ मिलाकर निर्माण करते थे उसका। निम्नलिखित में से किस स्थल से पूर्व पाषाण काल का उपकरण एवं मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है जो भारत में अब तक प्राप्त मनुष्य का सबसे पुराना अवशेष है? निम्नलिखित किस स्थल से पूर्व पाषाण काल का उपकरण एवं मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है जो भारत में अब तक प्राप्त मनुष्य का सबसे पुराना अवशेष है? तो हथनोर। निम्नलिखित किस स्थान से मध्य पाषाणकालीन मनुष्य के निवास का पता चलता है? पूछ रहा है किस स्थान से मध्य पाषाणकालीन मनुष्य के निवास का पता चलता है? तो सरायन हर राय नामक स्थान से पता चलता है दोस्तों। महदहा से प्राप्त एक पुरुष कंकाल की लंबाई 1.92 मीटर है तो स्त्री कंकाल की लंबाई क्या है? दोस्तों पूछ रहा है महदहा से प्राप्त एक पुरुष कंकाल की लंबाई, तो इसमें देखिएगा दो आंसर मिल रहे हैं। जो पुरुष कंकाल की लंबाई है 1.92 है, 2 मीटर है, और स्त्री कंकाल की लंबाई 1.78 मीटर है। भीमबेटका से उत्तर पूर्वकालीन प्राप्त हुआ है? भीमबेटका से उत्तर पूर्वकालीन प्राप्त नीले रंग के पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं दोस्तों। उत्तर पूर्व पाषाणकालीन अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? उत्तर पूर्व पाषाणकालीन अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति जो है लोहदा से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों हमारा ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आप अभी तक हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों, अगर पसंद आए तो इसको शेयर करिए। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।